ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। कांग्रेस विधायक ने सरकार यानी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में अपना दर्द उन्होंने बयां किया है। साथ ही उन्होंने सदन की कार्यवाही का भी बहिष्कार किया और पत्र में विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं उन्होंने गिनाई हैं। समस्याओं के नहीं सुलझने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया, सीएम को खत लिखकर अपना दर्द बयां किया है। पत्र में लिखा है कि गरीब भूमिहीनों पर कड़ाके की ठंड में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, गरीब भूमिहीनों को पट्टे देने के वचन को पूरा करने में क्यों देरी हो रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को विधायकों की समस्या सुनने की फुर्सत नहीं है। मुन्नालाल गोयल कल विधानसभा परिषद में गांधी प्रतिमा पर धरना देंगे। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, कांग्रेस के ही विधायक और अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिखकर दर्द छलकाया उन्होंने अपना। हाँ बिल्कुल, देखिए श्रद्धा आपने सही कहा है। आज विधानसभा की तरफ से भी जो कांग्रेस के विधायक हैं, ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के विधायक हैं मुन्नालाल गोयल, उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया है और साथ ही साथ में एक चिट्ठी उन्होंने सीएम कमलनाथ को लिखी है जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। देखिए मुन्नालाल गोयल ने जिन मुद्दों को अपने खत में उठाया है और जिस बात को लेकर उनकी नाराजगी है वो दरअसल इस बात को लेकर है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, जो जिस तरीके से माफिया के खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है और जो अतिक्रमण है वो हटाने की कार्रवाई चल रही है, तो उनके क्षेत्र में भी कई जगहों पर इस तरीके की कार्रवाई हुई है जिसको एक तरीके से उन्होंने मुद्दा बनाया है मुन्नालाल गोयल ने। और लिखा है कि उनके इलाके में जो गरीब परिवार है उनके घरों पर और अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, लिहाजा ठंड में जो बुलडोजर चल रहा है, इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो उन्होंने उठाए। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी उनकी नाराजगी है कि कांग्रेस का जो वचन पत्र था उसमें गरीब भूमिहीनों को जो पट्टे हैं आवास के वो देने की बात कही गई थी, ये इन मुद्दों को लेकर भी उन्होंने कहा। देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पत्र का क्या जवाब देते हैं या फिर कितना क्या संज्ञान लेते हैं इस पत्र को पढ़ने के बाद। शुक्रिया शरद तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि प्रदेश में सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, माफिया के नाम पर बीजेपी नेता और जनता को निशाने पर लिया जा रहा है, कोई सच्ची बात उठाता है तो उसे फंसाने की राजनीति हो रही है, मकान और होटल्स गिरा दिए जाते हैं, सरकार भाजपा के कार्यकर्ताओं को तबाह और बर्बाद करना चाहती है, हम कोई रसगुल्ला नहीं जो खा जाओगे, हम राख के ढेर में भी खड़े हो जाएंगे, सरकार की पाप की लंका को जलाकर खाक कर देंगे, सरकार ने पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार और नर्क बनाने की कोशिश की है, जनता उसमें जल रही है और परेशान है, शराब का लोकव्यापीकरण किया जा रहा है। तो बड़ा हमला बोला है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर। बड़ी बैठक बीजेपी की भोपाल में हुई। पूरा प्रदेश बेहाल है, विकास ठप्प है, उधर वो पोषण आहार माफिया लगातार समय बढ़ता जा रहा है, 7 प्लांट बनाए थे पोषण आहार के लिए, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया था एक। मध्य प्रदेश विधानसभा